वीडियो में मैं गुणीकांत चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। WBJEE के थ्रू जितना भी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, ये एक ओनली इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। CFTI सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है, NITs होता है, IITs होता है, ये भी MHRD द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। तो ये इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ेंगे, प्लेसमेंट अगर थोड़ा भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, फिर भी आपको जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रली फंडेड होगा। बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स में एंड हायर स्टडीज में। तो इसमें जैसे NITs में अभी किया है, तो आप पढ़ने जाएंगे तो आपको 6 से 8 लाख रुपए 4 साल में ट्यूशन फीस देना पड़ेगा एज ए JIL कैंडिडेट। मगर इसमें जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। वो बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ है, इसका फीस है वो कैसा है, कैंपस कैसा है, तो ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए, तो WBJEE में जितना भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है उसमें इसका रैंक मैंने 18 रखा है। आपको अगर हर एक इंस्टीट्यूट के रैंक के बारे में जानना है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ कैसा है, या टॉप 50 इंस्टीट्यूट ऑफ WBJEE के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक कीजिए, आपको डिटेल्स में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये जो गुणीकांत चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट CFTI है, जो MHRD द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। तो कैंपस भी बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा कैंपस है, मालदा में है, मालदा स्टेशन के एकदम पास ही है, 7 किलोमीटर डिस्टेंस है ओनली, हाईवे के एकदम पास है, 700 मीटर के अंदर है। तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूट लोकेशन एंड इसका जो बिल्डिंग आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, न्यूली कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है, और भी इसका बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है, लेडीज गर्ल्स सब हॉस्टल बन रहा है, जैसे बॉयज हॉस्टल भी बहुत सारा बन रहा है। तो जो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके आप डिटेल्स देख सकते हैं, इसका डिटेल्स इधर पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बारे में दिया हुआ है कि 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, पहले इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसके बाद डिप्लोमा चालू हुआ था, अभी इधर बीटेक भी होता है। तो इसमें जो आपका ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें JEE मेंस एंड जो WBJEE दोनों के थ्रू ही एडमिशन होता है, 50-50, मतलब 50% एडमिशन होता है WBJEE के थ्रू और 50% एडमिशन होता है JEE मेंस के थ्रू। तो दोनों का कट ऑफ भी हम लोग देख लेंगे, PBSE 2019 का जो कट ऑफ है। तो 3 स्ट्रीम है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आपको अगर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ना है तो ये स्ट्रीम बहुत ही अच्छा है इधर में। तो इसमें आप JIL रैंक देख सकते हो कि WBJEE का जो रैंक चालू हुआ था तो 6494 से चालू हुआ था, फिर 11814 में जाके खत्म हुआ था राउंड वन में, 2019 में बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप मैकेनिकल भी देख सकते हो, 9500 से चालू हुआ था, और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग 11500 में चालू हुआ था। तो उस हिसाब से SC ST OBC का भी आप कार्टअप देख सकते हो, उसमें OBC AB and JIL PH TFW सबका कार्टअप मैंने इधर दे दिया। तो राउंड टू देख लेते हैं उसमें क्या चेंजेस हुआ था, तो आप चेंजेस देख सकते हो, 15,500-16,000 तक गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाकी भी 16,500 मैकेनिकल गया था और 18,500 फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग गया था, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में जो जो चेंजेस है आप इधर से देख सकते हो। तो राउंड थ्री देख लेते हैं, जो फाइनल राउंड था WBJEE का, तो उसमें भी जो चेंजेस है उधर आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी चले जाते हैं कि जो JEE मेन से भी जो एडमिशन होता है 50%, ठीक है। तो उसमें क्या क्या, उसमें क्या क्या कट ऑफ था, तो उसका अगर हम लोग देखेंगे तो इधर से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चला गया राउंड वन, तो इसका मतलब जैसे डिफरेंट तरह का कट ऑफ दिया हुआ है, तो राउंड टू आप देख लो, राउंड टू का ऐसा था, ये चेंजेस था, एंड राउंड थ्री एंड इसके बाद ये है राउंड फोर, एंड राउंड फाइव, ये है राउंड सिक्स,
फाइनली राउंड सेवन। तो इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया एडमिशन का आप देख सकते हो कि बीटेक का 10+2 है, 4 इयर्स का है, 50% सीट WBJEE के थ्रू होता है एंड जो बाकी 50% है उसमें 25+25 सीट्स है। तो आपका यूनियन टेरिटरीज एंड अदर जो स्टेट है एक्सक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसमें से 50% होता है। डिप्लोमा भी है उसमें भी आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, जेक्सपो के थ्रू होता है एंड इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, उससे भी 50% होता है एंड इसका बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट भी होता है जो पहले चालू हुआ था, पहले ये चालू हुआ था इंस्टीट्यूट में, उसके बाद डिप्लोमा चालू हुआ था, उसके बाद बीटेक चालू हुआ था। ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटीज आप देख सकते हो 2020 का जुलाई से चालू हो रहा है, तो G+3 बिल्डिंग बॉयज हॉस्टल का, जिसका 109 रूम रहेगा और टोटल जो कैपेसिटी होगा 267 स्टूडेंट का होगा एंड गर्ल्स हॉस्टल का भी 260 का कैपेसिटी बन रहा है। ठीक है, तो इसका अभी देख लेते हैं कि इसका जो फीस है वो कैसा है। तो इसका जो फीस है वो बहुत ही कम है, आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का है इसमें आपको टोटल जो देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम वो है 12,600 रुपए देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का कितना है 4,905 रुपीज, थर्ड सेमेस्टर के भी 4,905 रुपीज, बाकी जितने भी सेमेस्टर है सब में 4,905 रुपीज देना पड़ेगा एंड टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो 46,935 रुपीज में टोटल आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। एनआईटीज में आपका तो 5-6 लाख लग जाएगा, मगर ये भी सीएफटीए इंस्टीट्यूट है, मगर इसका 50,000 का कम में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा एंड इसका जो प्लेसमेंट है अभी आईटी कंपनीज कुछ आते हैं, फिर भी इसका प्लेसमेंट धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे TCS, CTS, IBM, विप्रो, ये तरह का कंपनी आता है एंड बाद में आपको बहुत हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है जो MHRD में स्टेब्लिश किया, तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू फाइंड द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।